आने सवाई माधोपुर है। त्रिनेत्र गणेश जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये रणथंभौर जाने वाला रास्ता है और हर साल यहां पर मेला भरता है। और आज हम बात करेंगे कि आज 10 तारीख है और गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी होने पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद है और श्रद्धालु बहुत लोग आए हुए हैं, मगर कहते हैं कि आस्था में दम होता है, मगर लोग वहाँ नहीं जाकर एक यहाँ पर छोटा सा पत्थर रख दिया गया है और उस पत्थर को यहाँ पर पूज रहे हैं गणेश जी के रूप में। आप ये देख पा रहे हैं, ये गणेश जी का एक ये बना दे मूर्त बना दी गई है, क्योंकि आस्था सब लोग ही गणेश जी के प्रति है, मगर वहाँ नहीं पहुँचने के कारण यहाँ पर सब लोग पूज पा रहे हैं। और पहले जो एक तरह से कहेंगे हम लोग कि यहाँ भीड़ रहती थी, सैलाब रहता था भीड़ का, वो सैलाब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी चली है उस कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है 7 से 12। और मैं आपको पूरी तरह से दिखा पाता हूँ कि ये सुनसान पड़ा हुआ है, जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं है यहाँ पर। ये देखिए पूरी तरह से सुनसान है। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी है, पूरे भारत में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है गणेश चतुर्थी। और राजस्थान में भी यहाँ के जो स्थान है सवाई माधोपुर है, त्रिनेत्र गणेश जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ दोस्तों मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक समय था जब भी गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, दुकानें लगी रहती है। प्रशासन की ओर से इसको 7 से 12 बंद कर दिया गया है, 12 तारीख को ये खुलेगा, मगर जो बेरोजगारी फैली है, क्योंकि कई लोग तो यहाँ ये कहेंगे हम लोग कि दुकानें लगाते थे और दुकानें लगाने के कारण लोग बाग यहाँ आते थे और रोज़गार मिलता था। मैं हेमराज योगी गणेश धाम पे दुकानदार हूँ और अब की बार मेला बिल्कुल फीका रहा, पब्लिक को आने नहीं दिया गया। प्रशासन की ओर से 7 तारीख से गणेश जी महाराज का रास्ता बंद कर दिया गया। आप यहाँ कितने साल से दुकान कर रहे हो? मैं करीबन 30 साल से यहाँ दुकान कर रहा हूँ और 30 साल में पहली दफ़े ऐसा देख रहा हूँ कि हमारे दुकानों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इस लॉकडाउन से, ये बंद की वजह से। और हमारे इस साल दुकानदारी कम होने से खाने कमाने का भी व्यवस्था सारी खराब हो गई। नमस्कार जी, मैं पवन योगी। अब की बार कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन लगाया हुआ है ये 7 तारीख से 12 तारीख तक का, तो इसमें क्या है ना, जो पब्लिक आ रही है दूर दूर से गणेश जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वो भी परेशान होकर जाती है और हम लोग भी, हमारे लोग का भी धंधा नहीं हो रहा है तो हम लोग भी परेशान हैं, तो इस वजह से हमको कोरोना से बहुत तकलीफ हो रही है। जैसा कि आपको पता है गणेश चतुर्थी है, यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन के चक्कर प्रशासन इतना परेशान कर रखा है कि पब्लिक के अंदर भुखमरी की नौबत आ चुकी है। भाई प्रशासन की लापरवाही मानो या फिर और कुछ मानो, लेकिन ये है कि रोज़गार छिन चुका है पब्लिक का, सब बेरोजगारी कगार पर। दोस्तों अभी मैंने आपकी बात कराई दुकानदारों से और दुकानदारों का कहना है कि हम लोग बेरोजगारी के आलम में, लोग नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो पर घर परिवार नहीं चलेगा, इससे बचाव हो कहीं ना कहीं, मगर उसके साथ में कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी हो रही है। जो आज गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी का सैलाब रहता था लोगों का। दोस्तों मैं आपकी बात कराता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे जागरूक व्यक्ति हैं और खुद भी एक मीडिया में, तो मैं उनके विचार जानना चाहूँगा कि वो देखिए, मैं पूरे इस मामले में बताना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ एक कोरोना महामारी के चलते जहाँ सरकार ने गाइडलाइनें जारी की हैं उसकी लोगों को पालना भी करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाने की बात हो या भीड़भाड़ में दूरी बनाए रखने की बात हो, एक जगह इकट्ठे नहीं होने वाली बात हो। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर जो सरकार के जो आदेश हैं वो क्या आम जनता पर के लिए ही बने, न कि अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर नेता जो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को अधिकांश मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि हाल ही पंचायत चुनाव में जो कोरोना गाइडलाइन की उनकी जमकर धज्जियाँ उड़ाई, उनके उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं बनती ऐसे में। और जहाँ यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो आज सुबह जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और रणथंभौर ने जो गणेश जो मंदिर है यहाँ पर विश्वविख्यात गणेश मंदिर है, यहाँ पर करीब 5 लाख श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, दूर दराज से यहाँ बीकानेर जोधपुर से यहाँ लोग आए हुए, लेकिन उनको यहाँ से वापस निराश लौटना पड़ रहा।
उनका कहना है कि एक बड़े स्तर पर इसकी सूचना की जाती तो यहाँ मेले नहीं भरेंगे और भी चीज़ें, तो यहाँ दूर दराज से लोग नहीं आते, आ भी गए थे लेकिन आस्था के ज्वार के चलते वो यहाँ पे दर्शन के लिए जो यहाँ पत्थर नुमा जो गणेश जी की एक प्रतिमा उसको मानते हुए और यहाँ अपने जो आस्था उनकी है उसको यहाँ मान्यता देते हुए उसी को गणेश जी मानते हुए उन्होंने पूजन किया। लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे सख्त नियम कानून लागू करे ताकि आम जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि हो या पुलिसकर्मी हो या अन्य लोगों, उन सभी पर ये नियम लागू करें। और यहाँ की जैसे कोरोना गाइडलाइन है तो उसी के साथ मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और जो सरकार ने अभी पंचायत के बाद जो टेस्ट जो करना चालू किया है उसके बाद यहाँ पॉजिटिव की संख्या आने में बढ़ोतरी होने लगी है, तो ऐसे में आम जनता को इसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसे जागरूक व्यक्ति लोकेश जी जो काफ़ी सक्रिय हैं इन चीज़ों को लेकर और इन्होंने भी अपनी बात रखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों आप पीछे देख पा रहे हैं पूरी तरह से श्रद्धा का भाव, श्रद्धा है वास्तव में लोगों के बीच, मगर कोरोना है और कोरोना के कारण लोग बागों को अपने डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों चैनल पर घंटी जरूर बजा के जाएं क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग गणेश धाम आए हुए थे और यहाँ पर यूँ कहते हैं विश्वविख्यात मेला बढ़ता है, यह बंद कर दिया गया है, महामारी काफ़ी चल रही है, तो मैं बात कराता हूँ आप लोगों की जो फॉरेस्ट कर्मचारी उनसे। मेरा नाम है सब शीतललाल, वो परखपाल हूँ, राम सिंपरा गेट पर ड्यूटी है, अमृतसर गेट पर ड्यूटी है सर। ये गणेश जी का है तो अधिकारियों ने लॉकडाउन की वजह से गेट बंद करवा रखा है 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक। ये देखिए साहब, जिला प्रशासन का आदेश है, कलेक्टर साहब का आदेश है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी आदेश है कि लॉकडाउन कोरोना महामारी को देखते हुए समस्या हो कोरोना महामारी के कारण, इस वजह से जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगाई है। यह जिला अधिकारी कलेक्टर साहब ने कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश यात्रियों के लिए ये मेला बंद कर दिया है। ये मेला गेट यहाँ पर 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक के लिए बुक कर दिया है बंद, ये 13 तारीख को ओपन होगा। इसके लिए यात्री जो आ रहे हैं जो अपने गेट से ही अगरबत्ती प्रसाद वगैरह लगा के यहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों अभी आप से हमने बात कराई जो फॉरेस्ट कर्मचारी हैं उनसे और उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब की तरफ से आदेश हुआ है और इस आदेश की पालना को देखते हुए गेट बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों एक तरह से अगर कोरोना महामारी को देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है, गेट बंद रहना चाहिए।